हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल आपको रणजी ट्रॉफी पढ़ाई थी और ये आज मैं आपको ईरानी ट्रॉफी बता रही हूँ। दोनों ही आपस में रिलेट करके बता दे रही हूँ मैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सरल शब्दों पर मैंने इसको लिखा है। बहुत ही आसानी से आपको ये सभी ट्रॉफी याद हो जाएंगी। ऐसे ही मैं आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सभी ट्रॉफी कवर कराऊंगी और ऐसे ही छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो टॉपिक मैं आपको कवर करा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसका। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले है कि ईरानी ट्रॉफी क्या है। तो जैसे कि मैंने कल रणजी ट्रॉफी के बारे में बताया था कि रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, सेम उसी तरह ही ईरानी ट्रॉफी भी भारत के लिए एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि रणजी जो ट्रॉफी थी उसका शुभारंभ हुआ था 1934-35 में, पहली बार खेली गई थी, लेकिन ईरानी ट्रॉफी का पहली बार टूर्नामेंट हुआ था 1959-60 में। याद रखिएगा, उसकी 1934 में और इसकी 1959-60 में। नेक्स्ट है कि सबसे पहले जो टूर्नामेंट खेला गया था ईरानी ट्रॉफी का, वो किस किस के बीच खेला गया था। तो सबसे पहले जो खेला किस किस के बीच जाता है। देखिए, ये जो ईरानी ट्रॉफी है, ये रणजी ट्रॉफी में जो भी विजेता रहते हैं उनके और जो बाकी शेष भारत रहता है उनके बीच खेली जाती है। मतलब रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत के बीच ईरानी ट्रॉफी खेली जाती है। याद रखिएगा, किसके बीच खेली जाती है ये, तो ये किसके बीच खेली जाती है, तो ये भारत के रणजी ट्रॉफी के जो भी विनर रहेगा उसके बीच और शेष भारत के बीच ये खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता था, मुंबई ने जीता था। सेम ईरानी ट्रॉफी को भी सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने ही जीता। याद रखिएगा, चाहे रणजी ट्रॉफी हो चाहे ईरानी ट्रॉफी हो, दोनों को ही सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, मुंबई ने जीता। तो फ्रेंड्स, ये तो आज ये बात हो गई कि ईरानी ट्रॉफी क्या है, किसके बीच खेली जाती है, पहला टूर्नामेंट कब हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि अभी जो हाल ही में ईरानी ट्रॉफी हुई है उसके संदर्भ में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला है कि ईरानी ट्रॉफी कहाँ पर हुई। अभी हाल ही में जो ईरानी ट्रॉफी हुई थी वो कहाँ पर हुई है, तो वो नागपुर में हुई है। कहाँ हुई, नागपुर में हुई। कब हुई है, तो 12-16 फरवरी 2019 को हुई। तो किस किस के बीच हुई थी, तो रणजी ट्रॉफी के विजेता था विदर्भ और शेष भारत के बीच हुई थी। तो किसने जीती ईरानी ट्रॉफी 2018-19, तो ये विदर्भ ने जीती। किसने जीती, विदर्भ ने जीती। रणजी ट्रॉफी भी किसने जीती, विदर्भ ने जीती। ऐसे ही ईरानी ट्रॉफी भी किसने जीती, विदर्भ ने जीती। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था हमारा ईरानी ट्रॉफी का, और ईरानी ट्रॉफी में हमको इतना ही पढ़ना है। अभी करंट का जो भी अभी एग्ज़ाम में करंट का आया तो इसमें से आएगा। और अगर आपका वो पूछते हैं कि रणजी ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी क्या है, तो वो आपका ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इससे इतने से ही मैं आपकी पूरी ईरानी ट्रॉफी का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया है। ऐसे ही मैं आपको सभी छोटे छोटे टॉपिक जो हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो टॉपिक मैं आपको ले लाती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और मध्य प्रदेश PSC आने वाला है, उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी क्रैश कोर्स लाने वाली हूँ। इसके लिए क्रैश कोर्स में आपके लिए जितने भी टॉपिक रहेंगे मध्य प्रदेश के, जल्दी मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक लाने वाली हूँ। अभी तक जितने भी रिकॉर्ड बने हैं भारत के व्यक्तियों द्वारा और जो विश्व में उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, वो उसका मैं एक वीडियो ले लाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।